हैं। तो आज की वीडियो में हम भूताकोला यानी दैवा आराधने के बारे में जानते हुए एक से दो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे भी बातें करेंगे। अब यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मौका मिल सके कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। भूताकोला, भूता आराधने या दैवा आराधने, ये एक ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस है जो कि दक्षिण कन्नड़ा में काफी प्रेविलेंट है और वहां के लोगों की लोकल लैंग्वेज तुलु होती है। इस एरिया को तुलुनाडु भी कहा जाता है और पिन पॉइंट किया जाए तो ये मैंगलोर, उडुपी, कुंदापुरा इन्हीं एरियाज में है। अब मैंने अपने कॉलेज के 4 साल उडुपी में बिताए हैं और मेरे फादर इन लॉ का घर भी उडुपी में ही है, तो मुझे इस कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता है। सो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है कि भूताकोला कब से होता आ रहा है। आई मीन लोकल्स के हिसाब से ये कल्चर प्री वैदिक टाइम से फॉलो होता आ रहा है, इनफैक्ट उससे भी बहुत पहले से। और वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि इसकी शुरुआत 800 BC के आसपास हुई थी। अब अगर हम भूताकोला शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें तो भूता मतलब है स्पिरिट और कोला एक तुलु वर्ड है जिसका अर्थ है प्ले। कोस्टल रीजन के लोग अलग अलग स्पिरिट्स यानी दैवा में मानते हैं और वो हर साल इनकी आराधना करते हैं। ये जो आराधना करने की सेरेमनी है उसे ही भूताकोला कहा जाता है। लोग मानते हैं कि दैवा उनके परिवार की रक्षा करते हैं और उन्हें हर आने वाले मुसीबत से बचाते हैं, लेकिन अगर दैवा को रेस्पेक्ट नहीं दिया गया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं। कांतारा फिल्म में हमने ऐसा ही कुछ देखा जहां राजा के पास सब कुछ था लेकिन सुख शांति नहीं थी, तो पंजुरली दैवा उन्हें सुख और शांति प्रदान किए लेकिन बदले में राजा को अपने जमीन का एक हिस्सा गाँव वालों को देना पड़ा। अब जब उस राजा का वंश गाँव वालों से जमीन को वापस हड़पने की कोशिश किया तो क्षेत्रपाल दैवा गुड़िया राजा के वंश को ही खत्म कर दिए। तो अब जबकि आप भूताकोला के बारे में बेसिक बातें जान गए हैं, चलिए मैं आपको कुछ और डिटेल बातें बताता हूँ। तो जिस रात भूताकोला होने वाला होता है तो उस दिन शाम से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक खूबसूरत पंडाल लगाया जाता है जहाँ फूलों से उसे सजाया जाता है एंड यहीं पे दैवा के आभूषण रखे जाते हैं जैसे कि तलवार, शील्ड, गगरा, गहने इत्यादि। अब भूताकोला यूजुअली एक स्पेसिफिक फैमिली ही पीढ़ी दर पीढ़ी परफॉर्म करती आ रही होती है और जिन्हें परफॉर्म करना होता है वो सबसे पहले भूता स्थाना जाकर आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें तेल से नहाकर प्योरिफाई किया जाता है ताकि उनके अंदर स्पिरिट आ सके। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि भूता स्थाना उस जगह को कहते हैं जहां दैवा की पूजा करी जाती है। देन परफॉर्मर तैयार होते हैं और वो दैवा की तरह खुद को बनाते हैं, जैसे गगड़ा पहनना, गहने पहनना, तलवार लेना इत्यादि। उनका अटायर तब पूरा होता है जब उन्हें कोकोनट लीव्स की बनाई हुई चीजें पहनाई जाती है। अब दोस्तों भूताकोला के वक्त जो नर्तक परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका लुक काफी डिफरेंट हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि कौन से दैवा का भूता आराधना हो रहा है। तो इसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होता है जिसके दौरान दैवा सच में नर्तक को कुछ समय के लिए पजेस करते हैं। इस टाइम पे परफॉर्मर के शरीर में काफी कंपन होता है और वो तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ केसेस में वो चीजें खाने लग जाते हैं जैसे कि पफ राइस, रॉ चिकन, टेंडर कोकोनट्स इत्यादि, और कई बार उनके हाथ में जीतीगे भी होता है जिसे हिंदी में हम मशाल कह सकते हैं। कोला के दौरान गाँव के लोग यूजुअली जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करवाया होता है वो अपने प्रॉब्लम दैवा को बताते हैं और दैवा उसका हल उन्हें देते हैं। वो गाँव वालों को आशीर्वाद भी देते हैं, इनफैक्ट कई केसेस में तो वो गाँव वालों के पर्सनल डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी केस, रॉबरी केस इत्यादि। अब दोस्तों इस पॉइंट पे एक बात तो क्लियर है कि हमारे देश के कोने कोने में ऐसे कई कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता। चलो ज्यादा जाने माने फेस्टिवल्स को ही ले लो, जैसे कि नवरात्रि, दुर्गा पूजा। वेल, इनके इतिहास के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता होता है, इसीलिए मैं आपको कुकू FM पे हिस्ट्री ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा जहां आप दुर्गा पूजा और नवरात्रि के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इन 9 दिनों में दुर्गा माँ को पूजा जाता है। अब देखो कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज हैं और इस दिवाली आप ना सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ पा सकते हैं बल्कि आप 10 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। आपको यहां बस 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त दिवाली 50 कोड यूज करना है और आपको वो सब्सक्रिप्शन 199 में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लकी हुए तो आप 10 लाख रुपए तक के प्राइजेस जीत सकते हैं जैसे कि कार्स, गोल्ड कॉइंस, वाउचर्स इत्यादि।
आदि। बस ध्यान रखना कि ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही है, तो जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों में है, उस पे क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो और बनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली। कमिंग बैक टू टॉपिक, वेल तमिलनाडु में अलग अलग फैमिलीज के द्वारा अलग अलग स्पिरिट्स या देवा को पूजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कांतारा फिल्म में हम पंजुरली देवा के बारे में जाने और साथ ही गुलिगा देवा को भी देख पाए। देवा एक सुपर नेचुरल स्पिरिट की तरह है जिन्हें हम डेमी गॉड्स कह सकते हैं और हर देवा की अपनी एक हिस्ट्री होती है। अब एक ही वीडियो में सारे देवा के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उन दो देवा की हिस्ट्री आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा जिनका जिक्र कांतारा फिल्म में हुआ है। पंजुरली शब्द पंजिदा कुड़ले तुलु वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है यंग वाइल्ड बोर। अगर आप पंजुरली देवा के हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको कई अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी। इसमें से एक है, बहुत पहले 5 यंग वाइल्ड बोर थे जिनमें से एक बाकी 4 से बिछड़ गया। अब इस बिछड़े हुए बोर को पार्वती जी देखती हैं और उन्हें यह बहुत प्यारा लगता है, इसीलिए वो इस बोर को कैलाश पर्वत पे अपने साथ रख लेती हैं। समय के साथ ये सुअर बड़ा हुआ और इसके दांत निकलने लगे। अब दांत निकलने की वजह से उसे खुजली हुई और इसी इरिटेशन में ये बोर फसल वगैरह बर्बाद करने लग गया। ये सब देखकर शिव जी क्रोधित हुए और वो इस बोर को कैलाश से पृथ्वी पर भेज दिए एस देवा। तब से देवा पंजुरली लोगों की रक्षा करते हैं, स्पेशली क्रॉप्स इत्यादि, और उन्हें वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पिरिट्स माना जाता है। अब पंजुरली देवा को लेकर और भी कई अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन वो सभी इस मेन स्टोरी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। साथ ही अलग अलग रीजन में आपको पंजुरली देवा के ही अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं और उनकी कहानी भी एक दूसरे से अलग होती है, तो हो सकता है आप जो कहानी सुने हो वो मेरी वाली से अलग हो। नाउ रियल इंसिडेंट्स की बात की जाए तो उडुपी डिस्ट्रिक्ट के गांव वगैरह यूजुअली लोग दूसरों के फार्म से कोकोनट या ऐसी ही फल सब्जी वगैरह नहीं चुराते हैं। उनका मानना है कि अगर वो चोरी करेंगे तो देवा पंजुरली उन्हें इसकी सजा देंगे। कई केसेस में जब लोगों ने नारियल वगैरह चुराया तो उसके ठीक अगले दिन से ही उनके घर में मानो विपत्ति आ गई हो, बीवी बच्चे बीमार पड़ने लग गए और उनका काफी नुकसान होने लग गया। ऐसे में जिसने नारियल चोरी करा था वो माफी मांगते हुए ओनर को सारा नारियल लौटाया। ऐसा करते ही वापस घर में सब नॉर्मल हो गया और चोरी करने वाले को अपना सबक मिल चुका था। मैंने तो एक और केस सुना है जहां किसी के घर से गहने चोरी हो गए थे और इसीलिए उन्होंने भूता गोला करवाया और वहां देवा से पूछा कि मेरे गहने चोरी हो गए हैं, इसका कुछ उपाय बताएं। इसके ठीक अगले दिन जिसने गहना चोरी करा था उसकी दोनों बेटियां बीमार पड़ गई और उसके साथ ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो गहने लेकर वापस आया और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब जब उन्होंने उसे माफ किया तो उसके ठीक अगले ही दिन बेटियां उसकी ठीक हो गई। तो ऐसी कई कहानियां हैं, यहां तो मैं बस आपको दो बता रहा हूं। नाउ गुलिगा देवा की कहानी भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बताई जाती है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने अपने इन-लॉज के यहां सुना है। तो एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी को राख के भीतर एक पत्थर दिखता है। पार्वती जी इस पत्थर को शिव जी के पास ले जाती है और शिव जी इसे धरती पे फेंक देते हैं। इस पत्थर से ही गुलिगा देवा का जन्म होता है जिन्हें विष्णु जी के पास भेज दिया जाता है। अब विष्णु जी गुलिगा को कहते हैं कि उनका जन्म नीलाउल्ला सनके के पेट से होगा। इनफैक्ट जब नीलाउल्ला सनके 9 महीना की गर्भवती होती है तो गुलिगा पूछते हैं कि मैं कैसे बाहर आऊं। वो कहती है नॉर्मल तरीके से, लेकिन गुलिगा उनका पेट फाड़ के बाहर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुलिगा को काफी भूख लगी थी और ऐसे में वो सूर्य तक को खाने की कोशिश किए। इतना ही नहीं, वो विष्णु जी के लेक का पूरा पानी पी गए, मछलियां खा गए, इनफैक्ट एक हाथी के खून से भी उनका पेट नहीं भरा। ऐसे में विष्णु जी गेव हिम लिटिल फिंगर जिससे उनका पेट भरा और उन्हें शांत करके पृथ्वी पे भेजा गया। अब गुलिगा देवा मंदिर वगैरह की रक्षा करते हैं और इसलिए शायद उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। आपने कांतारा में देखा होगा कि शिवा के अंदर गुलिगा देवा आते हैं तो शिवा पफ ड्राइस खाने लगता है और वो खाना मांग भी रहा था। ये गुलिगा देवा का नेचर है। कई जगहों पे गुलिगा देवा को पंजुरली देवा के साथ ही पूजा जाता है और फिल्म में हमने ऐसा ही देखा और उसके पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी में इन दोनों देवा में लड़ाई हुई थी और बाद में सब शांत हुआ था। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट कहानी क्या है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा। रियल स्टोरीज की बात की जाए तो ऐसी कई कहानियां जिनमें लोगों ने गुलिगा देवा को किसी तरह से अपमानित किया और उनकी मृत्यु मुंह से खून निकल कर हुई। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसा हमने कांतारा फिल्म में राजा के एक वंश को मरते देखा था। गुलिगा देवा इज नोन टू बी वेरी एंग्री डेमीगॉड, तो उनकी कहानियां बहुत सारी है और पास्ट में रियल लाइफ में ऐसी कई बातें हुई हैं जब लोगों ने उनको किसी तरह से ठेस पहुंचाया है और उनकी मृत्यु ठीक वैसे ही खून की उल्टी करके हुई है। अब इनके अलावा कई और देवा हैं लाइक मंत्रा देवता जिन्हें बाकी देवा से ज्यादा ताकतवर माना जाता है, देन कोड़क अज्जा जिनका मंदिर शायद मैंगलोर में स्थित है। अब जैसा कि मैंने कहा कई देवा हैं, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, साथ ही कई रियल लाइफ
इंसिडेंट्स भी हैं जिनमें से एक दो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, बट स्टिल इफ यू वांट कि मैं और भी रियल स्टोरीज आपको बताऊं, साथ ही मैं और भी दैवा की कहानी आप तक पहुंचाऊं, तो वेल इस वीडियो पे आप कम से कम 50 के लाइक्स पूरा कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप ये सब जानने में इंटरेस्टेड हैं। अब जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, तो अगर इसमें कुछ गलती है या फिर आपको बताई गई कहानी मेरे से अलग तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर करेक्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप Please subscribe for more videos.